अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज शेख वहाब इफ्तिखार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक बाय शेख। आपसे गुजारिश है कि लाजमी चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें नई से नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस देखने के लिए और नए से नए मोबाइल्स की अनबॉक्सिंग देखने के लिए। तो आज की वीडियो में स्पॉन्सर की है और इंस्टोर ने, और आज जो हमारे पास मोबाइल मौजूद है वो मेरे पास फर्स्ट टाइम इन्फिनिक्स कंपनी का कोई मोबाइल आया है जिसको मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ, और ये काफी मशहूर हुआ है और आप लोग काफी एक्साइटेड थे इस मोबाइल से रिलेटेड। तो आज मौजूद है मेरे पास इन्फिनिक्स का हॉट 10। तो आज चेक करेंगे कि क्या क्या स्पेक्स प्रोवाइड करता है और कैसी स्पेसिफिकेशन है इसकी, क्या फीचर्स हैं इसके। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। तो ये मौजूद है इन्फिनिक्स हॉट 10 का बॉक्स, और फ्रंट साइड पे मेंशन है 128 GB, और प्रोसेसर है इसका G70 टेकिंग गेमिंग टू नेक्स्ट लेवल। तो जी, ये G70 जो है ये एक पावरफुल चिपसेट है और एक गेमिंग चिपसेट है हीलियो की तरफ से, और इसका जो हमारे पास कलर मौजूद है ये ऑब्सीडियन ब्लैक कलर है। और बैक साइड पे जो इसकी स्पेसिफिकेशन मेंशन की गई है, मेरे पास जो वेरिएंट है इस टाइम वो 4GB 128GB वेरिएंट है और हीलियो G70 प्रोसेसर के साथ आता है। 6.7 इंच का काफी बड़ा डिस्प्ले है इसका, इन्फिनिटी और डिस्प्ले दिया गया है। एंड्रॉयड 10 आउट ऑफ द बॉक्स है। 5200 mAh की मैसिव बैटरी दी गई है। 16 MP का मेन कैमरा, 2 MP का दो कैमरे दिए गए हैं, और एक AI कैमरा है जिसका पता नहीं क्या यूज है, और साथ ही साथ रियर कैमरा है 8 MP का फ्रंट डुअल फ्लैश लाइट के साथ। तो चलें इसको हम अनबॉक्स करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। इन्फिनिक्स का फर्स्ट मोबाइल है ये हमारे चैनल पर। तो कहाँ गई मेरी नाइफ, ये रही नाइफ। तो इसको करते हैं अनरैप। तो जी, ये है इन्फिनिक्स का बॉक्स। काफी हद तक ये टेक्नो के कुछ बॉक्सेस की तरह है थीम वाइज, जैसे टेक्नो के ब्लू कलर है इस तरह इन्फिनिक्स का ये कलर आता है ग्रीन कलर। और इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो जी, ये ऊपर की साइड पे पड़ा है मोबाइल। फ्रंट पे भी बॉक्स वाले पैटर्न में ही ये स्टिकर लगाया गया है, इन्फिनिक्स हॉट 10 अनलिमिटेड फन 128 GB G70, और बाकी जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताई वही दोबारा मेंशन की गई है। और बैक साइड से ये हम लोग स्टिकर उतारते हैं। जरा पहले मैं इसको टर्न ऑन कर लूँ और देख लूँ बॉक्स में क्या कंटेंट मौजूद है। तो जी, इसके साथ मौजूद है लिमिटेड टाइम ड्रॉप। ये क्या है भाई? तो ये पबजी के लिए कोई मोबाइल पबजी के लिए कूपन कोड्स हैं मेरे ख्याल से यूसी के लिए। तो इसको साइड पर रखते हैं। ये EMI स्टिकर्स हैं, इनको साइड पर रखते हैं और देखते हैं बॉक्स में क्या कंटेंट मौजूद है। और बैक साइड पे दिया गया है इसमें सिम इजेक्टर टूल, वो भी निकाल के रख लेते हैं और देखेंगे बाद में सिम सिचुएशन। और यहाँ से कर लेते हैं बॉक्स को ओपन। काफ़ी डिफिकल्ट किस्म का बॉक्स बनाया गया है, और अच्छी बात जो है इसके साथ ही साथ प्रोटेक्टर भी दिया गया है एक, और ये साथ ऐप को भी डाउनलोड करने का तरीका दिया गया है। ये इसके अंदर मौजूद है एक सिलिकन केस, और बैक साइड पे बता रहा है कि ये कैमरा बम काफ़ी बड़ा है, और साथ ही साथ इसके में फिंगरप्रिंट स्कैनर भी होगा। और ये एक छोटू सा चार्जर मौजूद है, और ये छोटू सा चार्जर मैक्सिमम 10 W ही प्रोवाइड कर सकता है। जी हाँ, 10 W का चार्जर है ये, और 5200 mAh की बैटरी है। तो भाई आपको 2 घंटे लग जाएंगे, 2 घंटे आराम से लग जाएंगे इसको चार्ज करने में। माइक्रो USB केबल दी गई है साथ। तो इन सब चीज़ों को करते हैं साइड पे और मोबाइल से ये स्टिकर उतार लेते हैं। बड़ा सेटिस्फाइंग किस्म का स्टिकर था यार। और बैक से भी इस स्टिकर को उतार लेते हैं। मुझे ये उतारने में बहुत मज़ा आता है, आप यकीन करें। आप भी कोई नए फ़ोन बाय करेंगे तो आपको ज़रूर मज़ा आएगा ये काम करने में। बैक से काफ़ी न्यू लुक के साथ आता है, मुझे एक मार्बल टाइप सा लग रहा है, और शाइनी इसमें पैटर्न्स बने हुए हैं लाइंस के, आपको नज़र आ रहे होंगे कैमरे में। और ये पीछे इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग दी गई है, और ये साथ फिंगरप्रिंट स्कैनर है। नीचे हॉट लिखा गया है, डिज़ाइंड बाय इन्फिनिक्स हॉट। तो ये फ्रंट पे इसका पंच होल कैमरा मौजूद है, बैक साइड पे क्वाड कोर कैमरा सेटअप मौजूद है। कैमरा सेटअप में बात कर ली जाए तो मेन कैमरा जो है इनका वो 16 MP का है, 2 MP का मैक्रो कैमरा है, 2 MP का डेप्थ कैमरा है, और एक इसमें 2 MP का AI कैमरा रखा गया है, जो कि मुझे नहीं पता वो क्या काम करता है। वो कैमरा में AI फीचर्स प्रोवाइड करने के लिए कुछ काम करता होगा। तो चलें आगे चलते हैं और मोबाइल को करते हैं स्टार्ट। तो जब तक मैं इसको सेटअप कर लूँ और उसके बाद आपसे मिलते हैं। ये फ़ोन फाइनली यहाँ सेटअप हो चुका है, और XOS लॉन्चर इसका इन्फिनिक्स का मौजूद है इसमें।
6.7 इंच की लार्ज डिस्प्ले है, 720p की IPS डिस्प्ले है, एंड्रॉयड इसमें 10 दिया गया है, XOS 6.0 इन्फिनिक्स का मौजूद है और मीडियाटेक का हेलियो G70 प्रोसेसर मौजूद है जो कि एक गेमिंग चिपसेट है और इसमें काफ़ी बड़ी स्क्रीन है और 720p होने की वजह से इसमें ज़रा मुझे डिस्प्ले क्वालिटी को इतनी खास नहीं लग रही इस प्राइस रेंज, लेकिन ये प्राइस रेंज भी कॉम्प्रोमाइज्ड है और इसमें चिपसेट भी अच्छा दिया गया है तो हम इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। तो साथ ही साथ इसका बात कर ली जाए इसके साइड्स की, तो साइड पे वॉल्यूम रॉकर और पावर बटन दिया गया है, बैक साइड पे फिंगरप्रिंट स्कैनर है और तो यहाँ पे सिम सिचुएशन दी गई है, वो खोल के चेक कर लेते हैं कि सिम सिचुएशन क्या है यहाँ पे। और सिम इसकी फुल फ्लैज है, सिम तो इसकी सिम ट्रे फुल फ्लैज है, यहाँ पे आप दो सिम एक मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं और इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं और इसको यहाँ लॉन्चर दिया गया है, आपको मेन्यू को यहाँ से एक्सेस भी कर सकते हैं और इसमें तीन वेरिएंट्स मौजूद हैं, तीन वेरिएंट 4GB 64GB में पहला वेरिएंट, दूसरा वेरिएंट इसका 4GB 128GB में आता है, तीसरा वेरिएंट इसका 6GB RAM 128GB इंटरनल मेमोरी के साथ आता है। तो आप अगर गेमिंग पसंद करते हैं तो मेरी तरफ से आपको रिकमेंड है कि 6GB वेरिएंट लें, 25,000 रुपये इसकी प्राइस है और G70 प्रोसेसर होने के साथ ये आपको अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा, पबजी वगैरह चलाने में इस पर कोई इशू नहीं आएगा। तो जी इसका कैमरा टेस्ट आउट कर लेते हैं कैसा है। 16 मेगापिक्सल का इसका मेन कैमरा है और ये हम अपने फ्लावर को प्लांट को तो ये हम अपने प्लांट के साथ ही सारी पिक्चर्स कैप्चर करते हैं। तो सबसे पहले 16 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है इसका और 2 मेगापिक्सल के इसके और इसमें सुपर नाइट मोड भी दिया गया है और इसमें फ्रंट सेल्फी भी मौजूद है 8 मेगापिक्सल की, तो वो भी चेक कर लेते हैं कैसी है फ्रंट सेल्फी। तो वो मैं आपको लेके चेक करवाता हूँ कि फ्रंट सेल्फी कैसी है। तो ये इसकी फ्रंट सेल्फी है, 8 मेगापिक्सल की फ्रंट सेल्फी है जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, डिसेंट रिजल्ट है इसका। और इसके अंदर आप चेक कर सकते हैं जो मैंने बैक कैमरे से पिक्चर्स ली हैं नाइट मोड में, ये नाइट मोड तो नहीं है लेकिन इसका काफ़ी अच्छे कलर्स आ रहे हैं। 16 मेगापिक्सल का कैमरा है और ये आप रिजल्ट देख सकते हैं 16 मेगापिक्सल का, काफ़ी अच्छी एज डिटेक्शन की है इसने और 2 मेगापिक्सल का इसमें मैक्रो कैमरा मौजूद है और 2 मेगापिक्सल के साथ आप इसमें पोर्ट्रेट मोड भी मौजूद है। तो जी ये मैक्रो कैमरा मौजूद है इसमें 2 मेगापिक्सल का, मुझे नहीं समझ आता इसका क्या यूज़ है, बस ये आजकल कैमरे ज़्यादा सस्ते हो गए हैं इस वजह से चार देने के चक्कर में मैक्रो कैमरा भी दे दिया जाता है। और ये ठीक है, ये करीब से पिक्चर आपकी अच्छी लेता है लेकिन इस तरह की पिक्चर्स मैंने आज तक नहीं ली। तो इसमें 2 मेगापिक्सल का जो है मैक्रो कैमरा भी मौजूद है, ये आप देख सकते हैं इसके इतनी जूम करके ये पिक्चर ले सकता है। तो ओवरऑल ये प्राइस रेंज के हिसाब से काफ़ी अच्छा फ़ोन है और अपनी प्राइस रेंज के हिसाब से काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशन भी प्रोवाइड करता है। तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको ये फ़ोन कैसा लगा। तो जी आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। इन्फिनिक्स का हॉट 10 पाकिस्तान में 3 वेरिएंट्स में आ रहा है, 4GB 64GB RAM जो कि 20,000 रुपये का वेरियंट है और एक 4GB 128GB इंटरनल मेमोरी के साथ आ रहा है जो 23,000 का वेरिएंट है और उसके बाद 6GB 128GB के साथ भी आता है जो कि 25,000 का वेरिएंट है। तो 25,000 के मैक्सिमम वेरिएंट के साथ भी ये मोबाइल जस्टिफाई करता है अपनी प्राइस को स्पेसिफिकेशन के लिहाज से और परफॉर्मेंस के लिहाज से। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं। Assalamualaikum everyone, this is Sheikh Wahab Iftikhar, आप देख रहे हैं मेरा चैनल Tech by Sheikh और आज की वीडियो में जो मैं फोन लेके आया हूँ वो एक कम बजट वाला फोन है जो कि एक टेक्नो की तरफ से आया है, Spark 6 Go। और ये Spark 6 की हमने पहले अनबॉक्सिंग की थी, ये उसी का गो वर्जन है जो कि एक थोड़ा सा लाइट वर्जन आप कह सकते हैं। और आज की वीडियो में स्पॉन्सर किया ऑरेंज स्टोर ने, आप वहां से कोई भी फोन बाय कर सकते हैं और ये फोन भी वहां से बाय कर सकते हैं। और आज हम चल के देखेंगे कि ये क्या क्या स्पेक्स प्रोवाइड करता है टेक्नो का फोन। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को जरूर लाइक किया करें और कमेंट करके मुझे अपनी राय से भी आगाह किया करें और चले वीडियो शुरू करते हैं। तो जी ये हमारे पास मौजूद है Spark 6 Go का बॉक्स और बिल्कुल ही टेक्नो का जो Spark 6 है उसी से काफ़ी मिलता जुलता बॉक्स है ये। तो इसको हम ओपन करते हैं और देखते हैं कि ये क्या क्या स्पेक्स प्रोवाइड करता है। बैक साइड पे पहले देख लेते हैं, 3GB 64GB वेरिएंट है ये और
और कोई खास स्पेसिफिकेशन इस पे मेंशन नहीं की गई। जो हमारे पास कलर है वो ब्लू कलर मौजूद है और इस साइड पे मेंशन किया गया है 6.52 डॉट नॉच स्क्रीन है इसकी, 5000 mAh की काफ़ी ह्यूज बैटरी है, 13 मेगापिक्सल के डुअल कैमरे हैं जो कि एक AI कैमरा है और एक 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है और 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। प्लास्टिक को हम रिमूव कर लेते हैं यहाँ से। माइक्रो यूएसबी की केबल फोन को चार्ज करने के लिए और साथ दिया गया है एक चार्जर जिसकी रेटिंग हम चेक कर लेते हैं। 5 वोल्ट 2 एम्पीयर 10 वोल्ट की आउटपुट प्रोवाइड करता है ये और आपको 5000 एमएच की बैटरी जो है 10 वोल्ट पे ये चार्ज करेगा तो तकरीबन 2 घंटे लग ही जाएंगे इसको चार्ज होने में कम्प्लीटली। तो हम इसको बॉक्स को हम साइड पर रखते हैं और फोन को निकाल लेते हैं रैपर से। तो इस तरह का कुछ रैपर है और ये इजीली बाहर फोन आ गया है और हम इसको स्विच ऑन कर लेते हैं। तो जब जहाँ तक बात की जाए फ़ोन की ओवरऑल लुक की, जो लुक है ये काफ़ी हद तक जो इन्फिनिक्स का मैंने हॉट 10 अनबॉक्स किया था और टेक्नो का स्पार्क 6 ये काफ़ी हद तक उससे मिलता जुलता है। मैंने आपको पहले भी बताया था ये मार्बल टाइप लुकिंग देता है और है ये प्लास्टिक केस और इसका जो प्लास्टिक केस है ये ओपन होता है क्योंकि इसके अंदर सिम जो है वो साइड पे सिम ट्रे नहीं दी गई बल्कि ये प्लास्टिक केस उतार के इसमें सिम डाली जा सकती है और मेमोरी कार्ड भी डाला जा सकता है। इस तरफ मौजूद है पावर ऑन ऑफ बटन, वॉल्यूम रॉकर और ऊपर की साइड क्लीन रखी गई है। इसी वाली साइड पर मौजूद है माइक्रो यूएसबी की केबल का पोर्ट और साथ ही साथ हेडफोन जैक दिया गया 3.5 mm का और स्पीकर ग्रिल इस फोन की बैक साइड पे दी गई है। ये आप देख रहे हैं ये थोड़ी सी मुझे जो है पोजीशन इसकी ऑकवर्ड फील हो रही है क्योंकि यहाँ पे अक्सर ही हम यूज़ करते हैं तो हमारा हाथ आ जाता है तो जिसकी वजह से इसकी साउंड क्वालिटी इफेक्ट हो सकती है। तो चलें इसको हम स्विच ऑन कर लेते हैं और देखते हैं फ़ोन की ओर।
8 मेगापिक्सल की इसकी सेल्फी है जो कि काफ़ी डिटेल्ड रिजल्ट प्रोवाइड कर रही है और काफ़ी डिसेंट कैमरा क्वालिटी मुझे इसकी अच्छी लगी है इस प्राइस रेंज के हिसाब से और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है इसने। और इसमें फ्रंट कैमरे में भी वीडियो मोड अवेलेबल है, ब्यूटी मोड भी अवेलेबल है, पोर्ट्रेट भी आप ले सकते हैं, AR शॉट्स में ये मुख्तलिफ शॉट्स आप ले सकते हैं फन के लिए। और साथ ही साथ इसमें वाइड सेल्फी भी मौजूद है जो कि कैमरे को थोड़ा वाइड कर लेती है, मगर ये AI के थ्रू कर रही है, इसमें कोई एक नया सेंसर नहीं दिया गया अल्ट्रा वाइड के लिए। और तो टेक्नो का ये एप्लीकेशन ड्रॉअर है और यहाँ से आप मुख्तलिफ एप्लीकेशंस को एक्सेस कर सकते हैं। प्री डिफॉल्ट इसमें कुछ एप्स दी गई हैं फेसबुक वगैरह और ये आप लोग यूज कर सकते हैं और प्ले स्टोर की सर्विसेज से आप बाकी भी कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका जो एंटूटू पे स्कोर है वो तकरीबन 78,000 स्कोर आता है जो कि एक इस प्राइस रेंज के मोबाइल के लिए एक नॉमिनल स्कोर है। और जहां तक देखें हम फिंगरप्रिंट की स्पीड और आप इसके फिंगरप्रिंट की स्पीड चेक कर सकते हैं, ये काफी फास्ट फिंगरप्रिंट स्कैनर है और फौरन अनलॉक करता है फोन को। और ये देखें आप, ये यहां मैंने इस पर क्लिक किया और ये फौरन अनलॉक हो गया और फेस अनलॉक की भी सहूलत मौजूद है इसमें, ये इसने देखा और ये अनलॉक हो गया फोन, काफी फास्ट फेस अनलॉक है इसका। इसका जो केस है ये रिमूवेबल है, ये आप चेक कर सकते हैं, ये बैक साइड से बैटरी जोन सी है इसमें इंस्टॉल की गई है और नॉन रिमूवेबल है, बट आप यहाँ पे 2 सिमें डाल सकते हैं और साथ ही साथ मेमोरी कार्ड भी डाल सकते हैं। आजकल ज्यादातर इस साइड पे ही सिम्स दी जाती हैं, मगर इसमें कवर निकाल के आप सिम्स वगैरह डाल सकते हैं जो कि काफी नॉन कन्वेंशनल चीज हो चुकी है अब। और इसको ये हम बंद कर देते हैं। तो इसकी साउंड क्वालिटी चल के चेक करते हैं हम, कोई रिंगटोन लगा के देखते हैं इसकी साउंड कैसा है। और ये जो स्पीकर मैंने आपको बताया बैक साइड पे है, इसकी साउंड क्वालिटी चेक करते हैं। डिफॉल्ट रिंगटोन देखा मैंने आपको बताया है कि जिस तरह के यहाँ पे हाथ लगने से ये स्पीकर की क्वालिटी खराब हो सकती है, वैसे भी इसका साउंड काफी ब्रीक साउंड है, जो नॉर्मल इस रेंज के फोन्स का साउंड क्वालिटी होती है वैसा ही इसका साउंड है, कोई खास मुझे नहीं लगा। तो जी ये 16,500 में पाकिस्तान में अच्छी एक ऑप्शन मौजूद है, स्पार्क 6 गो आप लोग बाय कर सकते हैं और इन स्टोर से। स्पार्क 6 के अंदर जो है मीडिया टेक का हीलियो A70 प्रोसेसर लगाया गया है और ये एक लो बजट प्रोसेसर है जो कि इन्हीं फोन्स में 16,000 की प्राइस रेंज में ही देखा गया है। और इसकी परफॉर्मेंस जो है एंटूटू पे इसका स्कोर 77,000 के करीब आता है और जो कि इस प्राइस रेंज में एक नॉमिनल स्कोर है। तो आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको ये फोन कैसा लगा, क्या ये 16,500 में एक अच्छी चॉइस है और आप लोगों को कैसा लगा ये फोन। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तो मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज शेख वहाब इफ्तिखार, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो जो है उसमें मैं ऐसा मोबाइल लेके आया हूँ जो स्पेसिफिकली पाकिस्तान में गेमर्स को टारगेट करता है। टेक्नो की तरफ से एक न्यूली मोबाइल लॉन्च किया गया है टेक्नो पोवा, जो कि मेरे पास आज मौजूद है 6GB 128GB इंटरनल मेमोरी के साथ G80 प्रोसेसर के साथ। ये फोन आता है पाकिस्तान में जो कि स्पेसिफिकली गेमर्स को टारगेट किया गया है पाकिस्तान में, लेकिन इस फोन में जो है और जो चीजें हैं वो कुछ कॉम्प्रोमाइज करके मेन टारगेट जो किया गया है वो गेमिंग पे किया गया है और इसके स्पेसिफिकेशन पे किया गया है। ज्यादा इसमें कैमरास जो हैं वो इतना खास नहीं दिए गए और इसकी जो प्राइस रेंज है पाकिस्तान में वो 25,000 रुपये में ये फोन लॉन्च किया गया है टेक्नो की तरफ से। टेक्नो की तरफ से 25,000 रुपये इसकी प्राइस रेंज में पहले ऐसे फोन लॉन्च किए गए हैं जो कि एक अच्छे कैमरे के साथ आते थे, और इसमें जो है कैमरा इतना जो है मुझे वो खास नहीं लगा, उससे पहले टेक्नो के इसी रेंज के फोन में काफी बेहतर कैमरा भी मिलता रहा है। तो आज हम देखेंगे ये फोन कैसी स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करता है और क्या क्या चीजें इसमें दी गई हैं, तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो जी ये हमारे पास मौजूद है टेक्नो का पोवा का बॉक्स और 6GB रैम 128GB इंटरनल मेमोरीज के साथ आता है ये फोन, और कुछ इस तरह का बॉक्स है ये, काफी हद तक इन्फिनिक्स का जो 08 बॉक्स है उसी कलर कॉम्बिनेशन के साथ आता है।
तो जी बॉक्स पे मेंशन किया गया है 128GB इंटरनल और फ्री टेम्पर्ड ग्लास, इसमें प्रोटेक्टर भी दिया गया है, ये जो कि बहुत अच्छी बात है। एक फ़ोन के अंदर साथ ग्लास टेम्पर्ड प्रोटेक्टर भी दिया गया है, लेकिन ये अगर प्री अप्लाइड कर दिया जाए तो ज़्यादा अच्छी बात होती है, क्योंकि मेरे से तो उसमें बबल रह जाते हैं लगाते हुए, तो ये हमें खुद बाहर से लगवाना पड़ेगा। और जी मेन हाइलाइट्स जो इसकी मेंशन की गई हैं वो गेमिंग की तरफ से की गई हैं। हीलियो G80 प्रोसेसर दिया गया है, 6000 mAh की ह्यूज बैटरी दी गई है, 18 वॉट का फ्लैश चार्ज दिया गया है, 6.8 इंच की डॉट इन डिस्प्ले है इसमें, और इसकी अनबॉक्सिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। ये ऊपर एक ट्रे सी दी गई है, उसके अंदर फोन पड़ा हुआ है, और इसको हम निकाल लेते हैं बाहर और इसको साइड पर रखते हैं। और ये EMI स्टिकर हैं, और ये यहाँ पे मैं इसको टर्न ऑन कर लेता हूँ, तो जब तक हम देख लेते हैं बॉक्स में क्या कंटेंट मौजूद है। ये एक कोवा की ही ब्रांडिंग के साथ एक बुकलेट सी मौजूद है, इसके अंदर चेक करते हैं हम क्या चीज़ें मौजूद हैं। ये इसके अंदर कुछ स्टिकर्स मौजूद हैं, टेक्नो मोबाइल की 13 मंथ्स की वारंटी दी गई है, और साथ ही साथ इसमें टेम्पर्ड ग्लास भी दिया गया है, जो कि ग्लास प्रोटेक्टर साथ दिया गया है, बड़ी अच्छी बात है, ये हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। और इसके साथ मौजूद है इसका चार्जर और केबल, और साथ फोन केस भी दिया गया है, जो कि ये मैनचेस्टर यूनाइटेड के लोगों के साथ आता है, और कैमरा बम काफ़ी बड़ा है, बीच में फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। यहाँ पे दी गई है सिम ट्रे, इसको भी निकाल लेते हैं बाद में देखने के लिए। और टेक्नो के मोबाइल हमेशा एसेसरीज और बॉक्सिंग के साथ काफ़ी अच्छे होते हैं, इसमें बेसिक हैंड फ्री भी प्रोवाइड की गई हैं, और साथ ही साथ इसमें जो चार्जिंग केबल दी गई है वो अनफॉर्चुनेटली टाइप सी नहीं दी गई, बल्कि माइक्रो USB की केबल दी गई है इसमें। और इसमें ग्रीन कलर मौजूद है, ये फास्ट चार्जर है और 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड करता है, काफ़ी छोटा लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा नहीं सकता, यहाँ पे 9 वॉट 2 एम्पेयर, तो ये 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड करता है आपके फ़ोन को। और हम इसको यहाँ पे टर्न ऑन हो चुका है, और हम इसकी ये स्क्रीन प्रोटेक्टर उतार लेते हैं, चेक करें, ये मुझे बहुत मज़ा आता है उतारने में, ये और बैक साइड से भी उतार लेते हैं। तो जी बैक साइड से ये काफ़ी हद तक मुझे जो है इनफिनिक्स का Hot 10 की याद दिलाता है, और उसका भी मटेरियल काफ़ी हद तक ऐसा ही था, कुछ मार्बल टाइप शेप का मुझे लगता है ये, और इसमें ये लाइनिंग्स पैटर्न आता है। मेन कैमरा जो है वो 13 मेगापिक्सल का दिया गया है, और बाकी जो कैमराज हैं ये सारे सेंसर्स ही हैं, और AI कैमरा है, और ये फिंगरप्रिंट स्कैनर पीछे दिया गया है। इस साइड पर वॉल्यूम रॉकर और पावर बटन मौजूद है, और ऊपर की साइड पे कुछ भी नहीं है। इस साइड पे जो है वो एक गूगल असिस्टेंट का भी बटन मौजूद है, और यहाँ पे एक सिम ट्रे दी गई है, सिम ट्रे हम निकाल के देख लेते हैं। 2 सिमें और एक मेमोरी कार्ड आप इसमें डाल सकते हैं 128GB इंटरनल होने के बाद भी। तो जी फोन स्टार्ट हो गया है, जब तक मैं इसको सेटअप कर लूँ और उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो जी फोन फाइनली यहाँ सेटअप हो चुका है, और ये एंड्रॉयड 10 आउट ऑफ द बॉक्स आता है, और HiOS जो इनका अपना लॉन्चर है और अपना UI है टेक्नो मोबाइल का, वो इसमें इंस्टॉल किया गया है। और काफ़ी हद तक यार मुझे ये टेक्नो के फ़ोन और इन्फिनिक्स के फ़ोन काफ़ी हद तक जो है स्क्रीन क्वालिटी वाइज सेम लगते हैं, और काफ़ी बिल्ड क्वालिटी भी इनकी सेम लगती है, और इनका UI भी काफ़ी मिलता जुलता लगता है, हालांकि ये अलग अलग कंपनीज हैं। और ये आपको फ़ोन जो है ये फ्रंट स्क्रीन जो है इसकी 720p की स्क्रीन है, और ये फुल हाई डिस्प्ले नहीं है क्योंकि ये एक बजट फ़ोन है, और बैक साइड इसकी प्लास्टिक की दी गई है, और 13 मेगापिक्सल का एक कैमरा दिया गया है इस पर बैक साइड पे। तो ये इसका मेन मेन्यू है, जो कि अगेन इन्फिनिक्स की तरह ही लगता है मुझे, और ये इसमें G80 का चिपसेट प्रोवाइड किया गया है, जो कि गेमिंग चिपसेट है, और इसमें प्री इंस्टॉल्ड काफ़ी एप्स मौजूद हैं। और आप इसमें और एक मसला जो इसमें आता है वो एडवर्टीजमेंट का है, काफ़ी ऑप्शंस गेमिंग के और इधर उधर की चीज़ें आती रहती हैं, आप उसको ऑप्शंस को पहले ही ऑफ़ कर दें ताकि आपको एडवर्टीजमेंट ना आए, क्योंकि वो काफ़ी ऑकवर्ड फील होता है अगर एडवर्टीजमेंट बार बार आ रही हो फ़ोन में, तो आप उसको पहले ही ऑफ़ कर दें। तो फ्रंट कैमरा मैं आपको चेक करवाता हूँ, ये पंच होल कैमरा दिया गया है इसमें, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, और ये मैं एक पिक्चर लेके आपको चेक करवाता हूँ,
और बैक कैमरा जो है वो इसका 13 मेगापिक्सल का AI कैम है और इसमें ज़्यादा फीचर्स मौजूद नहीं है, नाइट कैम भी नहीं दिया गया और शॉर्ट वीडियोस बना सकते हैं आप इसमें और कोई ज़्यादा मोड्स अवेलेबल नहीं है। 2x का जूम है और एक मैक्रो सेंसर दिया गया है जो कि 2 मेगापिक्सल का ही गैस है और आप इससे मैक्रो मोड में पिक्चर्स भी ले सकते हैं। तो ये 13 मेगापिक्सल की इसकी मेन कैमरे की क्वालिटी है जो आप देख सकते हैं और काफ़ी डिसेंट रिजल्ट प्रोवाइड करता है। आप इसको कैटेगरी में बेस्ट नहीं कह सकते क्योंकि टेक्नो ही खुद अपने एक फ़ोन लेके आता है जो बेटर कैमरे के साथ आते हैं। तो और ये फ्रंट कैमरा है इसका, इसका भी रिजल्ट कोई इतना खास नहीं है, डिसेंट है और थोड़ा सा ब्लरी इमेज आई है इसमें ज़रा सा हिलाने पर भी, और आप देख सकते हैं। तो आपको ये फ़ोन ओवरऑल कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ये फ़ोन गेमिंग को टारगेट करने के लिए पाकिस्तान में लाया गया है, हालांकि इसमें मुझे ओवरऑल इंटरनल्स के अलावा कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई जो गेमिंग के लिए दी गई है। इंटरनल्स इसमें अच्छे हैं जो कि एक गेमिंग चिपसेट है और एक 128 GB इंटरनल और 6 GB मेमोरी के साथ आता है। तो ये फ़ोन एक इसको गेमिंग के लिए फ़ोन कह दिया जाता है। जनरली तो वैसे हर काफ़ी ज़्यादा फ़ोन जो 40,000 रुपीज़ की प्राइस रेंज में आते हैं वो सारे गेमिंग चिपसेट्स के साथ ही आते हैं, तो ये फ़ोन स्पेसिफिकली 25,000 रुपीज़ की प्राइस रेंज में कुछ चीज़ें को कट ऑफ करके गेमिंग चिपसेट प्रोवाइड किया गया। तो आपको ये टेक्नो का फोन कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो ये स्पेसिफिकली पाकिस्तान में गेमिंग के लिए बनाया गया फोन है जो कि गेमर्स को टारगेट कर रहा है और ये एक सस्ती प्राइस रेंज में आता है, 25,000 रुपए की प्राइस रेंज में ये पाकिस्तान में लॉन्च किया गया है। और आप लोग मुझसे और आप लोग मुझे अपने ओपिनियन से जरूर आगाह कीजिएगा कि कैसा फोन लगा आप लोगों को, और मुझे इजाजत दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज। Assalamualaikum everyone, this is your boy Shehwab Iftikhar and you are watching my YouTube channel। और आज की इस वीडियो में जो हम फोन लेके आए हैं वो है Xiaomi का Redmi 9। Redmi 9 एक ऐसा फोन है जो कि इस प्राइस रेंज में सबसे पावरफुल चिपसेट वाला फोन लॉन्च किया था Xiaomi ने। ये Redmi 9 इस टाइम मेरे पास मौजूद है और आज हम देखेंगे कि इसकी क्या क्या स्पेक्स हैं, क्या क्या स्पेक्स प्रोवाइड करता है। ये 2 वेरिएंट्स में पाकिस्तान में आता है, 3 GB रैम 32 GB इंटरनल और 4 GB रैम 64 GB इंटरनल में। तो जो 3 GB रैम वाला वेरिएंट है उसकी 21,500 प्राइस है और जो 4 GB वाला वेरियंट है उसकी 27,500 प्राइस है। और ये वीडियो हमें स्पॉन्सर की है और इन स्टोर ने, आप वहां से ये मोबाइल भी बाय कर सकते हैं और भी जनरली उनके पास हर मोबाइल मौजूद होता है, आप वहां से बाय कर सकते हैं। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और चलें वीडियो शुरू करते हैं। तो जी ये हमारे पास मौजूद है Redmi 9 का बॉक्स और टैक्स सिरात की वारंटी के साथ ही आता है और हम इसको अनरैप कर लेते हैं। इस पर Xiaomi के हर फोन पे 2 रैपर चढ़े होते हैं, तो पहला हम ऐसे निकाल लेते हैं। ये है इसका वारंटी कार्ड टैक्स सिरात का और इन चीज़ों को साइड पर रखते हैं और बॉक्स ओपन कर लेते हैं अपनी नाइफ से। तो जी ये हमने प्लास्टिक उतार दिया और फ्रंट की पैकेजिंग बिल्कुल Xiaomi की जो ऑफिशियल पैकेजिंग है उसी तरह की है। फ्रंट पे Redmi 9 बना हुआ है, ये 3 कलर्स में पाकिस्तान में अवेलेबल है। जो हमारे पास आज का वेरिएंट है ये 3 GB रैम 32 GB रोम के साथ आता है। ओशियन ग्रीन इसका कलर है और साइड पे लिखा Redmi 9 विद इजी एक्सेस टू यू यूज द मोस्ट द गूगल एप्स। और ये सबसे ज़रूरी चीज़ है भाई आजकल के फोन्स में। तो ये हमने बॉक्स ओपन किया और सबसे ऊपर मौजूद है एक बुकलेट, बुकलेट को हम खोल के देखते हैं और उससे नीचे मौजूद है आपका फ़ोन और ये एक ओशियन ग्रीन कलर में फ़ोन अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं। हम इसको जब तक स्विच ऑन कर देते हैं और बॉक्स में देख लेते हैं क्या कंटेंट मौजूद है। तो जी बाहर निकल के आया है जी चार्जर सबसे पहले
तो चार्जर इसके साथ दिया गया है 10 वोल्ट का, हालांकि ये फोन सपोर्ट करता है 18 वोल्ट की चार्जिंग, और आप बाहर से इसका मतलब 18 वोल्ट का चार्जर बाय करके ये 7 फोन के यूज कर सकते हैं, लेकिन 7 USB टाइप सी मौजूद है जो क्वालकॉम का एक स्टैंडर्ड है। ये आप कहीं से भी बाय कर सकते हैं 18 वोल्ट का चार्जर और अपने फोन को 18 वोल्ट की चार्जिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। बॉक्स में ये कुछ था, साइड पे करते हैं इसको और इस बुकलेट में देख लेते हैं क्या मौजूद है। और बुकलेट में सबसे ऊपर एक सिम इजेक्टर टूल मौजूद है, इसको भी साइड पर निकाल के रख लेते हैं, हम बाद में सिम सिचुएशन देखने के लिए इसको साइड पर रखते हैं। और ये बुकलेट्स मौजूद हैं कुछ, यूजर गाइड और वारंटी कार्ड, यूजर गाइड्स, ये जो पढ़ना चाहता है पढ़ लिया करें, हम लोग इसको नहीं पढ़ते। और साथ ही साथ फोन के एक केस भी दिया गया है जो कि एक अच्छी क्वालिटी का केस है। ये कैमरे के लिए ये इसका पंच होल मौजूद है और ये इसका फ्लैश के लिए पंच होल मौजूद है। 3.5 मिलीमीटर हेडफोन जैक की जगह मौजूद है और स्पीकर ग्रिल की जगह दी गई है, तो फोन केस काफी अच्छा लग रहा है क्वालिटी वाइज, लेकिन फिर भी ये सारे केस पता नहीं क्यों 3-4 महीने बाद पीले हो जाते हैं। और ये सारी चीजें हम साइड पर रखते हैं। और फोन की जो मेन हाईलाइट स्पेक्स हैं, 13 मेगापिक्सल का AI क्वाड कैमरा मौजूद है इसमें, 5020mAh की बैटरी मौजूद है, 6.53 का फुल HD डॉट ड्रॉप डिस्प्ले मौजूद है। और सबसे खास बात इस फोन की ये है कि Xiaomi की, बल्कि ये सबसे खास बात है कि ये पाकिस्तान में जब भी कोई फोन लॉन्च करते हैं तो उसकी खास बात यही होती है कि वो अपनी प्राइस कैटेगरी में सबसे अच्छे चिपसेट के साथ फोन आ रहा होता है। तो ये हीलियो G80 प्रोसेसर के साथ आ रहा है जो कि एक गेमिंग चिपसेट है, और जो गेमिंग करना पसंद करते हैं PUBG वगैरह इस पे हाई सेटिंग में चल जाती है इजीली। आप 4GB रैम वाला वेरिएंट लें तो वो ज्यादा बेस्ट है, और 3GB रैम में भी आप लोग खेल सकते हैं गेम्स वगैरह। तो ये हमने रैपर उतार दिया और ये हमारे पास फोन मौजूद है, इसको मैं जब तक सेटअप कर लेता हूँ उसके बाद मिलते हैं आपसे। फोन फाइनली यहाँ सेटअप हो चुका है, बात कर लेते हैं फोन की ओवरऑल लुक की। डाउन साइड पे मौजूद है USB टाइप सी की कनेक्टिविटी, 3.5 मिलीमीटर का हेडफोन जैक, स्पीकर ग्रिल मौजूद है, और बैक पे जो पैटर्न है ये एक लाइंस वाला पैटर्न है, आपको उंगली लगाने से बकायदा फील भी होता है। और ये सेंटर से यहाँ पे क्लीन दिया गया है जो कि इसको एक सर्कुलर शेप प्रोवाइड कर रहा है। और बैक से देखने में ये काफी हद तक रेडमी नोट 8 प्रो की तरह लगता है, और फ्रंट भी इसका काफी हद तक रेडमी नोट 8 प्रो की तरह लगता है। और साइड्स पे स्पीकर और साइड्स पे मौजूद हैं वॉल्यूम रॉकर और पावर बटन, और बैक साइड पे कैमरे के नीचे ही फिंगरप्रिंट स्कैनर मौजूद है, इसकी स्पीड भी हम आपको चेक करवाते हैं। और इस साइड पे मौजूद है सिम ट्रे, और सिम ट्रे को निकाल कर देख लेते हैं कि सिम सिचुएशन क्या है। तो सिम सिचुएशन इसकी फुल फ्लेज है, 2 मेमोरी कार्ड और 1 सिम, 2 सिमें और 1 मेमोरी कार्ड आप डाल सकते हैं इसमें। और बैक की बात की जाए तो बैक इसका प्लास्टिक का है, और साइड्स भी इसकी प्लास्टिक की हैं, और फ्रंट पे जो है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन दी गई है। चलें फोन को चेकआउट करते हैं। और तो जी ये फोन का MIUI 11 है, और ये Android 10 आउट ऑफ द बॉक्स MIUI 11 पे चल रहा है, और ये ऊपर एक नोटिफिकेशन LED भी है जो कि ब्लिंक करती है नोटिफिकेशन आने पे, और ये क्लियर जो कि MIUI का UI है, ये कुछ लोगों को पसंद, बहुत ज़्यादा पसंद आ जाता है और कुछ लोगों को नहीं पसंद आता है। इनकी MIUI 12 की अपडेट भी हर फोन्स पे आहिस्ता आहिस्ता आ रही है, वो भी इस पे आ जाएगी। और चेकआउट करते हैं हम इसका सबसे पहले कैमरा। बैक साइड पे इसके 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मौजूद है, उससे नीचे 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया गया है, और एक कैमरा ये 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा दिया गया है, और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मौजूद है, और साथ LED फ्लैश दी गई है। और हम कैमरा चेक कर लेते हैं कि कैमरा कैसा है 13 मेगापिक्सल का। ये सबसे पहले मैक्रो पे गया हुआ है, ये चेक करें आप, मैक्रो में इसकी काफी डिटेल्ड फोटो आती हैं। और मैक्रो को हम बंद करके इसका मेन कैमरा यूज करते हैं। तो जी ये मेन कैमरा इसका 13 मेगापिक्सल का है, इससे हम फोटो लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसी फोटो आई है। डिसेंट रिजल्ट है इसका, और कैमरा वाइज ये फोन मुझे इतना खास नहीं लगा, 13 मेगापिक्सल का रिजल्ट इतना कोई डिसेंट नहीं है इसका। और बाकी
जो कैमरा फोन लेना चाहते हैं वो इस रेंज में काफी ऐसे फोन मौजूद हैं जो कि कैमरा क्वालिटी से बेहतर प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इसमें ये है कि 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा भी मौजूद है, तो ओवरऑल आपको कैमरा क्वालिटी ठीक लगती है, डिसेंट लगती है। तो आप बेसिकली जो इस फोन का मेन पॉइंट है वो है इसका चिपसेट G80, परफॉर्मेंस इसकी बहुत अच्छी है और फोन कहीं भी लैग फील नहीं कराता और गेमिंग के हवाले से भी कोई इशू नहीं आने वाला। ये इसकी फिंगरप्रिंट की स्पीड आप चेक कर सकते हैं, ये क्लिक किया और ये अनलॉक, ये आप यहां से ऐसे चेक कर सकते हैं, ये देखें बहुत तेज स्पीड है इसके फिंगरप्रिंट सेंसर की। और जनरली शॉमी के जितने भी हमने फोन देखे हैं उनके फिंगरप्रिंट स्कैनर्स की स्पीड काफी तेज होती है और ये एक इंप्रेसिव बात है। तो आपकी व्यू आपको कैसी लगी और कैसा लगा Redmi 9, आपको ये फोन कैसा लगा और Redmi 9C और 9A इसके बाद आए हैं, ये Redmi 9 सबसे पहले आया था और ये एक अपनी प्राइस कैटेगरी में सबसे पावरफुल चिपसेट प्रोवाइड करने वाला फोन था जब ये लॉन्च हुआ है, और आपको ये फोन कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे इजाजत दें, अल्लाह years out. Assalamualaikum everyone, this is Sheikh Wahab Iftikhar और आज आप लोगों के लिए एक बड़ी एक्साइटेड डिवाइस लेके आया हूँ। Realme की C सीरीज आगे से आगे बढ़ी जा रही है और Realme का C17 नया फोन आया है पाकिस्तानी मार्केट में। 32,000 रुपए के प्राइस टैग में ये फोन रिलीज हुआ है और इसकी सबसे खास बात ये है कि ये 90 हर्ट्ज के डिस्प्ले के साथ इस कीमत में ये फोन लॉन्च हुआ है और ये वीडियो हमें स्पॉन्सर की है और इंस्टॉल ने, और आज हम देखेंगे चल के कि इसमें क्या क्या स्पेक्स मौजूद हैं और क्या क्या स्पेसिफिकेशन ये प्रोवाइड करता है। और वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। तो जी ये मौजूद है हमारे पास Realme का C17 और प्राइस रेंज भी इसकी लिखी हुई है 31,999। इसकी की स्पेसिफिकेशन जो है वो हम बैक साइड पे देख लेते हैं। सबसे मेन स्पेसिफिकेशन 90 हर्ट्ज की स्मूथ डिस्प्ले है, 5000 mAh की बैटरी दी गई है और 18 वॉट की क्विक चार्ज भी दी गई है। स्नैपड्रैगन का 460 प्रोसेसर ये एक न्यूली प्रोसेसर है और 13 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा अल्ट्रा वाइड लेंस के साथ दिया गया है। तो चलें हम इसको ओपन कर लेते हैं और इसका प्लास्टिक रैप उतार लेते हैं और फिर चेक करते हैं कि बॉक्स में क्या कंटेंट मौजूद।
फोन फाइनली यहाँ सेटअप हो चुका है और आप देख सकते हैं फोन काफी खूबसूरत डिस्प्ले के साथ आता है। यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मौजूद है और जो इसकी सबसे मेन हाईलाइट है वो है इसकी 90 हर्ट्ज की डिस्प्ले। आप चेक कर सकते हैं कैमरे में, ये दिखा नहीं सकता, इंतहाई स्मूथ रिस्पॉन्स है। 90 हर्ट्ज बेसिकली एक सेकेंड में कितने हर्ट्ज रिफ्रेश हो रहा है वो रेट कहलाता है इसका रिफ्रेश रेट स्क्रीन का, जो कि आम हमारे मोबाइलों पे 60 हर्ट्ज होता है और इस पे 90 हर्ट्ज है। जो 60 हर्ट्ज की डिस्प्ले होती है वो आप यूज करते हैं और इसके बाद जब अगर आप ये यूज कर लें एक दो दिन तो आपको वो स्लो लगने लग जाएंगी और वाकई ये काफी स्मूथ और तेज एक्सपीरियंस है। आप ये देख सकते हैं कितना फास्ट मूव कर रहा है ये। और इसके अलावा 120 हर्ट्ज के भी स्क्रीन्स कुछ अवेलेबल है मार्केट में जो कि बहुत हायर एंड फोन्स में आती हैं और ये भी 90 हर्ट्ज की डिस्प्ले इस रेंज में प्रोवाइड करना भी एक जबरदस्त बात है। और इसके अलावा इसमें रियलमी का UI 1 दिया गया है जो कि रियलमी का अपना UI है। और कैमरा इसका हम चेक कर लेते हैं, 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है इसका। तो ये जी 13 मेगापिक्सल का कैमरा मौजूद है, आप देख सकते हैं अल्ट्रा वाइड कैमरा भी दिया गया है इसमें और साथ ही साथ इसमें सेल्फी लेके चेक। दो सिमें एक मेमोरी कार्ड आप डाल सकते हैं तो वो प्रॉब्लम भी नहीं है। और ये जो वेरिएंट पाकिस्तान में आया है ये 6GB 128GB इंटरनल मेमोरी के साथ आता है तो आपको कार्ड की भी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ सकती। और जो इसमें प्रोसेसर दिया गया है वो है स्नैपड्रैगन का 460 जो कि मैंने ऑनलाइन चेक किया है हर जगह पे और N22 के स्कोर्स वगैरह भी चेक करने की कोशिश की थी मैंने, तो वो जो इसके स्कोर्स हैं वो तकरीबन हीलियो के G70 प्रोसेसर जितने ही आते हैं, तकरीबन 1,80,000 के करीब इसके जो आपका स्कोर है वो करता है ये फ़ोन। तो परफॉर्मेंस वाइज भी मुझे ये ठीक लग रहा है, गेमिंग वगैरह भी आप इस पर कर सकते हैं इजीली और 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ, ये अडेप्टिड 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट है स्क्रीन में, जो कि जिसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आप कोई भी चीज़ ऐसी देख रहे हैं यानी वीडियोज़ हम देखते हैं वो 30 FPS पे बनी होती हैं तो ऑटोमेटिकली ये स्क्रीन अडेप्टिव 30 हर्ट्ज पे आपको दिखाती है। और कुछ ऐप्स और रियलमी का UI जो कि 90 हर्ट्ज पे वर्क करता है तो ये उस पर 90 हर्ट्ज पे हो जाती है यानी ऑटोमेटिकली ये चेंज हो जाता है। तो यार ओवरऑल ये काफ़ी अच्छा फ़ोन लगा है मुझे, बैक इसकी काफ़ी खूबसूरत है और फ्रंट भी काफ़ी अच्छा है। तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये फ़ोन कैसा लगा। तो जी आपको Realme का C17 कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। Realme C17 जो है ये पाकिस्तान में Oppo A53 के बाद दूसरा फ़ोन है जो कि 90 हर्ट्ज़ की डिस्प्ले एक अच्छे फीचर्स के साथ और एक अच्छे प्राइस बजट में लेके आया है, तो ये इसलिए ये एक अच्छा पैकेज बन जाता है। तो आप लोगों को कैसी वीडियो लगी आज की और कैसा ये फोन लगा मुझे जरूर बताइएगा और मुझे इजाजत दें। शेख वहाब इफ्तिखार साइनिंग ऑफ, अल्लाह इफ्तिखार। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल टेक बाय शेख। आपसे गुजारिश है कि लाजमी चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें नई से नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस देखने के लिए और नए से नए मोबाइल्स की अनबॉक्सिंग देखने के लिए। तो आज की वीडियो में स्पॉन्सर किया है और इंस्टोर ने, और आज जो हमारे पास मोबाइल मौजूद है वो मेरे पास फर्स्ट टाइम इन्फिनिक्स कंपनी का कोई मोबाइल आया है जिसको मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ और ये काफी मशहूर हुआ है और आप लोग काफी एक्साइटेड थे इस मोबाइल से रिलेटेड। तो आज मौजूद है मेरे पास इन्फिनिक्स का Hot 10। तो आज चेक करेंगे कि क्या क्या स्पेक्स प्रोवाइड करता है और कैसी स्पेसिफिकेशन है इसकी, क्या फीचर्स हैं इसके। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं।
ये मौजूद है इन्फिनिक्स हॉट 10 का बॉक्स और फ्रंट साइड पे मेंशन है 128 GB और प्रोसेसर है इसका G70 टेकिंग गेमिंग टू नेक्स्ट लेवल। तो जी ये G70 जो है ये एक पावरफुल चिपसेट है और एक गेमिंग चिपसेट है हीलियो की तरफ से, और इसका जो हमारे पास कलर मौजूद है ये ऑब्सीडियन ब्लैक कलर है। और बैक साइड पे जो इसकी स्पेसिफिकेशन मेंशन की गई है, मेरे पास जो वेरिएंट है इस टाइम वो 4GB 128GB वेरिएंट है और हीलियो G70 प्रोसेसर के साथ आता है। 6.7 इंच का काफी बड़ा डिस्प्ले है इसका, इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले दिया गया है। एंड्रॉयड 10 आउट ऑफ द बॉक्स है। 5200 mAh की मैसिव बैटरी दी गई है। 16 MP का मेन कैमरा, 2 MP का दो कैमरे दिए गए हैं और एक AI कैमरा है जिसका पता नहीं क्या यूज है, और साथ ही साथ रियर कैमरा है 8 MP का फ्रंट डुअल फ्लैश लाइट के साथ। तो चलें इसको हम अनबॉक्स करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। इन्फिनिक्स का फर्स्ट मोबाइल है ये हमारे चैनल पर। तो कहाँ गई मेरी नाइफ, ये रही नाइफ। तो इसको करते हैं अनरैप। तो जी ये है इन्फिनिक्स का बॉक्स। काफ़ी हद तक ये टेक्नो के कुछ बॉक्सेस की तरह है थीम वाइज, जैसे टेक्नो के ब्लू कलर है इस तरह इन्फिनिक्स का ये कलर आता है ग्रीन कलर। और इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो जी ये ऊपर की साइड पे पड़ा है मोबाइल। फ्रंट पे भी बॉक्स वाले पैटर्न में ही ये स्टिकर लगाया गया है, इन्फिनिक्स हॉट 10 अनलिमिटेड फन 128 GB G70, और बाकी जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताई वही दोबारा मेंशन की गई है। और बैक साइड से ये हम लोग स्टिकर उतारते हैं। जरा पहले मैं इसको टर्न ऑन कर लूँ और देख लूँ बॉक्स में क्या कंटेंट मौजूद है। तो जी इसके साथ मौजूद है लिमिटेड टाइम ड्रॉप। ये क्या है भाई, तो ये पबजी के लिए कोई मोबाइल की मोबाइल पबजी के लिए कूपन कोड्स है मेरे ख्याल से यूसी के लिए। तो इसको साइड पर रखते हैं। ये EMI स्टिकर्स हैं, इनको साइड पर रखते हैं और देखते हैं बॉक्स में क्या कंटेंट मौजूद है। और बैक साइड पे दिया गया है इसमें सिम इजेक्टर टूल, वो भी निकाल के रख लेते हैं और देखेंगे बाद में सिम सिचुएशन। और यहाँ से कर लेते हैं बॉक्स को ओपन। काफ़ी डिफिकल्ट किस्म का बॉक्स बनाया गया है। और अच्छी बात जो है इसके साथ ही साथ प्रोटेक्टर भी दिया गया है एक, और ये साथ ऐप को भी डाउनलोड करने का तरीका दिया गया है। ये इसके अंदर मौजूद है एक सिलिकन केस, और बैक साइड पे बता रहा है कि ये कैमरा बम्प काफ़ी बड़ा है और साथ ही साथ इसके में फिंगरप्रिंट स्कैनर भी होगा। और ये एक छोटू सा चार्जर मौजूद है, और ये छोटू सा चार्जर मैक्सिमम 10 वॉट ही प्रोवाइड कर सकता है। जी हाँ, 10 वॉट का चार्जर है ये, और 5200 mAh की बैटरी है। तो भाई आपको 2 घंटे लग जाएंगे, 2 घंटे आराम से लग जाएंगे इसको चार्ज करने में। माइक्रो USB केबल दी गई है साथ। तो इन सब चीज़ों को करते हैं साइड पे और मोबाइल से ये स्टिकर उतार लेते हैं। बड़ा सेटिस्फाइंग किस्म का स्टिकर था यार। और बैक से भी इस स्टिकर को उतार लेते हैं। मुझे ये उतारने में बहुत मज़ा आता है, आप यकीन करें। आप भी कोई नए फ़ोन बाय करेंगे तो आपको ज़रूर मज़ा आएगा ये काम करने में। बैक से काफ़ी न्यू लुक के साथ आता है, मुझे एक मार्बल टाइप सा लग रहा है और शाइनी इसमें पैटर्न्स बने हुए हैं लाइंस के, आपको नज़र आ रहे होंगे कैमरे में। और ये पीछे इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग दी गई है, और ये साथ फिंगरप्रिंट स्कैनर है। नीचे हॉट लिखा गया है, डिज़ाइंड बाय इन्फिनिक्स हॉट। तो ये फ्रंट पे इसका पंच होल कैमरा मौजूद है। बैक साइड पे क्वाड कोर कैमरा सेटअप मौजूद है। कैमरा सेटअप में बात कर ली जाए तो मेन कैमरा जो है इनका वो 16 MP का है, 2 MP का मैक्रो कैमरा है, 2 MP का डेप्थ कैमरा है, और एक इसमें 2 MP का AI कैमरा रखा गया है जो कि मुझे नहीं पता वो क्या काम करता है। अब वो कैमरा में AI फीचर्स प्रोवाइड करने के लिए कुछ काम करता होगा। तो चलें आगे चलते हैं और मोबाइल को करते हैं स्टार्ट। तो जब तक मैं इसको सेटअप कर लूँ और उसके बाद आपसे मिलते हैं। जी फोन फाइनली यहाँ सेटअप हो चुका है, और XOS लॉन्चर इसका इन्फिनिक्स का मौजूद है। इसमें 6.7 इंच की लार्ज डिस्प्ले है, 720p की IPS डिस्प्ले है। एंड्रॉयड इसमें 10 दिया गया, XOS 6.0 इन्फिनिक्स का मौजूद है, और MediaTek का हीलियो G70 प्रोसेसर मौजूद है जो कि एक गेमिंग चिपसेट है। और इसमें काफ़ी बड़ी स्क्रीन है, और 720p होने की वजह से इसमें ज़रा मुझे डिस्प्ले क्वालिटी को इतनी खास नहीं लग रही इस प्राइस रेंज, लेकिन ये प्राइस रेंज भी कॉम्प्रोमाइज्ड है। और इसमें चिपसेट भी अच्छा दिया गया है तो हम इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। तो साथ ही साथ इसका बात कर ली जाए इसके साइड्स की, तो साइड पे वॉल्यूम रॉकर और पावर बटन दिया गया है। बैक साइड पे फिंगरप्रिंट स्कैनर है, और तो यहाँ पे सिम सिचुएशन दी गई है, वो खोल के चेक कर लेते हैं कि सिम सिचुएशन क्या है यहाँ पे। और सिम इसकी
फुल फ्लैज है सिम, तो इसकी सिम ट्रे फुल फ्लैज है। यहाँ पे आप दो सिम एक मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं और इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं। और इसको यहाँ लॉन्चर दिया गया है, आपको मेन्यू को यहाँ से एक्सेस भी कर सकते हैं। और इसमें तीन वेरिएंट्स मौजूद हैं, तीन वेरिएंट 4GB 64GB में पहला वेरिएंट, दूसरा वेरिएंट इसका 4GB 128GB में आता है, तीसरा वेरिएंट इसका 6GB रैम 128GB इंटरनल मेमोरी के साथ आता है। तो आप अगर गेमिंग पसंद करते हैं तो मेरी तरफ से आपको रिकमेंड है कि 6GB वेरिएंट लें, 25,000 रुपये इसकी प्राइस है। और G70 प्रोसेसर होने के साथ ये आपको अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा, पबजी वगैरह चलाने में इस पर कोई इशू नहीं आएगा। तो जी इसका कैमरा टेस्ट आउट कर लेते हैं कैसा है। 16 मेगापिक्सल का इसका मेन कैमरा है और ये हम अपने फ्लावर को प्लांट को, तो ये हम अपने प्लांट के साथ ही सारी पिक्चर्स कैप्चर करते हैं। तो सबसे पहले 16 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है इसका और 2 मेगापिक्सल के इसके, और इसमें सुपर नाइट मोड भी दिया गया है और इसमें फ्रंट सेल्फी भी मौजूद है 8 मेगापिक्सल की। तो वो भी चेक कर लेते हैं कैसी है फ्रंट सेल्फी, तो वो मैं आपको लेके चेक करवाता हूँ कि फ्रंट सेल्फी कैसी है। तो ये तो जी ये इसकी फ्रंट सेल्फी है, 8 मेगापिक्सल की फ्रंट सेल्फी है जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, डिसेंट रिजल्ट है इसका। और इसके इसके अंदर आप चेक कर सकते हैं जो मैंने बैक कैमरे से पिक्चर्स ली हैं नाइट मोड में, ये नाइट मोड तो नहीं है लेकिन इसका काफ़ी अच्छे कलर्स आ रहे हैं। 16 मेगापिक्सल का कैमरा है और ये आप रिजल्ट देख सकते हैं 16 मेगापिक्सल का, काफ़ी अच्छी एज डिटेक्शन की है इसने। और 2 मेगापिक्सल का इसमें मैक्रो कैमरा मौजूद है और 2 मेगापिक्सल के साथ आप इसमें पोर्ट्रेट मोड भी मौजूद है। तो जी ये मैक्रो कैमरा मौजूद है इसमें 2 मेगापिक्सल का, मुझे नहीं समझ आता इसका क्या यूज़ है। बस ये एक आजकल कैमरे ज़्यादा सस्ते हो गए हैं इस वजह से चार्जर देने के चक्कर में मैक्रो कैमरा भी दे दिया जाता है। और ये ठीक है, ये करीब से पिक्चर आपकी अच्छी लेता है लेकिन इस तरह की पिक्चर्स मैंने आज तक नहीं ली। तो इसमें 2 मेगापिक्सल का जो है मैक्रो कैमरा भी मौजूद है, ये आप देख सकते हैं इसके इतनी जूम करके ये पिक्चर ले सकता है। तो ओवरऑल ये प्राइस रेंज के हिसाब से काफ़ी अच्छा फ़ोन है और अपनी प्राइस रेंज के हिसाब से काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशन भी प्रोवाइड करता है। तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको ये फ़ोन कैसा लगा। तो जी आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। इन्फिनिक्स का हॉट 10 पाकिस्तान में 3 वेरिएंट्स में आ रहा है, 4GB 64GB रैम जो कि 20,000 रुपये का वेरियंट है और 1 4GB 128GB इंटरनल मेमोरी के साथ आ रहा है जो 23,000 का वेरिएंट है, और उसके बाद 6GB 128GB के साथ भी आता है जो कि 25,000 का वेरिएंट है। तो 25,000 के मैक्सिमम वेरिएंट के साथ भी ये मोबाइल जस्टिफाई करता है अपनी प्राइस को स्पेसिफिकेशन के लिहाज से और परफॉर्मेंस के लिहाज से। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। Assalamualaikum everyone, this is Sheikh Wahab Iftikhar, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, आज पहली दफ़ा मेरे चैनल पर Realme का एक फ़ोन लेके आया हूँ जो आज हम अनबॉक्स करेंगे और देखेंगे कैसा फ़ोन है। Realme पाकिस्तान में काफ़ी इमर्जिंग तरीके से पाकिस्तान में इमर्ज कर रही है और ये बजट फ़ोन इन्होंने अपना निकाला है C11। इनकी जो थोड़ी सी मिड रेंज सीरीज है वो C4 से लेके आगे C5, C6 है, लेकिन जो C11 है और इससे आगे की जो सीरीज़ है वो बजट रेंज सीरीज़ है। ये मोबाइल 16,999 रुपीज़ में पाकिस्तान में आ रहा है और इसके अंदर भी हीलियो G35 प्रोसेसर लगाया गया है जो Xiaomi के Redmi 9C के अंदर मौजूद था। तो ये एक टफ कंपटीशन है इन दोनों फ़ोन्स का आपस में, और तकरीबन स्पेक्स जो हैं वो 19-20 ही हैं और दोनों की सेम स्पेक्स हैं। ये Realme कंपनी है, Oppo की तरफ से, Oppo और Realme एक ही कंपनी है बेसिकली। आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और आपको चेक कराएंगे कि ये फ़ोन कैसा है। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं, और वीडियो शुरू करने से पहले ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस वीडियो के जो स्पॉन्सर हैं वो ऑरेंज स्टोर वाले हैं, वो क्रीम ब्लॉक में उनकी शॉप है, आप विज़िट कर सकते हैं। मैं यहाँ लिंक उनका नेम और नंबर डाल दूंगा और लिंक उनकी डिस्क्रिप्शन में भी फेसबुक की डाल दूंगा और आप वहां से कोई भी मोबाइल बाय कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जी ये हमारे पास मौजूद है Realme C11 का बॉक्स और चेक करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन। 5000 mAh की मैसिव बैटरी दी गई है, 6.5 मिनी ड्रॉप फुल स्क्रीन, आई थिंक इन्होंने जो अपनी नॉच है वो थोड़ी छोटी कर दी है। 13 मेगापिक्सल का AI कैमरा है और हीलियो G35 का गेमिंग प्रोसेसर मौजूद है, 2GB रैम और 32GB रोम है
और ये एक मिनी मिंट ग्रीन कलर में है, और इसके अलावा इसका एक ग्रे कलर भी आता है। तो चलें इसको हम अनबॉक्स करते हैं। ये हमारी क्यूट छुरी, ये भी जल्द नई आ जाएगी, एक ज़बरदस्त एक नई ज़बरदस्त सी छुरी मैं लेके आ रहा हूँ, तो वो भी आपको अगली वीडियो में शायद नज़र आ जाए अगर मुझे टाइम मिल गया तो। तो ये जी Realme C11 का बॉक्स, और इसको ओपन करते हैं और देखते हैं बॉक्स में क्या क्या मौजूद है। हे वेलकम टू द Realme फैमिली, थैंक यू जी। ये पेपर गाइड मौजूद है, इसके अंदर कवर मौजूद नहीं है। ये पेपर गाइड है और साथ ही में इजेक्टर टूल है, और ये टॉप पे मोबाइल पड़ा हुआ है। मोबाइल को बाहर निकाल लेते हैं, मोबाइल को पैकेट में से निकालते हैं और इसको टर्न ऑन करते हैं, जब तक देख लेते हैं बाकी बॉक्स में क्या मौजूद है। तो जी बॉक्स में मौजूद है ये चार्जर मौजूद है, 10 वोल्ट का चार्जर है ये, और साथ इसके केबल मौजूद है जो कि माइक्रो यूएसबी केबल है, येलो कलर अंदर दिया गया है उसमें। तो ये फ़ोन है, जब तक हम इसको सेटअप कर लेते हैं। तो जी फ़ोन फाइनली सेटअप हो चुका है, इसके अंदर Realme का UI मौजूद है, और पीछे से देखा जाए तो Realme की ब्रांडिंग मौजूद है, और ये काफ़ी खूबसूरत सी एक लाइन मौजूद है, और इसका मिंट ग्रीन कलर है, डुअल कैमरा सेटअप है, और काफ़ी अरसे बाद मोबाइल्स में जो है ये कैमरा सेटअप चेंज हुआ है, वरना हर किसी में वो वर्टिकल टिप वाला ही कैमरा आ रहा था, और चाहे वो कोई एक्सपेंसिव मोबाइल हो या लोअर रेंज वाला। तो इसमें इन्होंने अपना डिज़ाइन कम्प्लीटली चेंज किया है, डुअल कैमरा है, साथ फ्लैश दी गई है, और ये नीचे से देखा जाए तो स्पीकर ग्रिल मौजूद है, माइक्रो यूएसबी के केबल के लिए चार्जिंग पोर्ट मौजूद है, 3.5 मिलीमीटर हेडफोन जैक है, और माइक है। ऊपर की साइड पे कुछ भी नहीं है, और साइड पे सिम ट्रे दी गई है। तो सिम सिचुएशन देख लेते हैं इसमें क्या है। सिम सिचुएशन इसकी फुल फ्लेज है, और दो सिम और एक मेमोरी कार्ड आप डाल सकते हैं। स्टोरेज 32 GB होने की वजह से ये एक्सपेंडेबल होना लाजमी होते हैं फ़ोन। तो ये इसका UI है, और बड़ा सिंपल सा और मिनिमलिस्टिक किस्म का UI है इसका, Realme UI। और चले आए इसका कैमरा टेस्ट आउट करते हैं। अच्छा, Xiaomi का जो Redmi 9C था उसके अंदर आपको इससे अलावा जो फीचर है वो ये है कि इसके अंदर 13 MP का एक कैमरा मौजूद है जो कि मेन सेंसर है, और इसके अलावा 2 MP का डेप्थ सेंसर मौजूद है। 5 MP का मैक्रो सेंसर इसमें मौजूद नहीं है, जो कि Xiaomi के Redmi 9C में था इसी प्राइस रेंज में। ये भी 17,000 रुपये का फ़ोन है, और इसके अंदर सिर्फ फेशियल एक्सप्रेशन से आप अनलॉक कर सकते हैं, और साथ आप कोड लगा के अनलॉक कर सकते हैं, और इसके बैक पे या साइड पे कहीं भी फिंगरप्रिंट मौजूद नहीं है, फिंगरप्रिंट स्कैनर मौजूद नहीं है, तो आप इसमें फिंगरप्रिंट को मिस करेंगे। और ये इसकी डिस्प्ले हमने फुल कर दी ब्राइटनेस, और चले आए इसका कैमरा टेस्ट आउट करते हैं। ये जी इसका 13 MP का रिज़ल्ट है। अच्छा, ये पहले इसको परमिशन दे दें हम ज़रा। ये 13 MP का रिज़ल्ट है, और इसके अंदर नाइट मोड भी इंक्लूड किया गया है, जो कि एक महंगे फ़ोन में इंक्लूड किया जाता है। ये Xiaomi वालों के Redmi 9C में इंक्लूड नहीं था, और काफ़ी अच्छी उससे पिक्चर आती है। और फ्रंट कैमरा जो है वो 5 MP का है, वो मैं आपको टेस्ट आउट करके उसकी पिक्चर क्वालिटी दिखाता हूँ। तो जी ये 5 MP की पिक्चर क्वालिटी है, डिसेंट क्वालिटी है, कोई इतनी इम्प्रेसिव और ख़ास क्वालिटी नहीं है इसकी। इससे ज़्यादा बेहतर मुझे Redmi 9C की क्वालिटी लगी थी। तो बाकी इसके वॉलपेपर्स और इसका UI ज़्यादा मुझे खूबसूरत लगा है, MIUI के नस्बत, और काफ़ी एक मिनिमलिस्टिक किस्म का डिज़ाइन है और सिंपल यूज़ है। 5000 mAh की ह्यूज बैटरी मौजूद है, जो 2 दिन का बैटरी बैकअप आपको प्रोवाइड कर सकती है एक लो यूजेज पे, और साथ ही साथ इसमें 10 वोल्ट का चार्जर है जो इसको चार्ज करेगा।
इसमें गूगल की कुछ इंस्टॉल्ड एप्स मौजूद हैं, बाकी इसके अपनी एप्स जो रियल मी की तरफ से इंस्टॉल्ड की गई हैं वो मौजूद हैं। बाकी फ़ोन मुझे काफ़ी डिसेंट लगा है इस प्राइस रेंज के हिसाब से। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको ज़रूर पसंद आई होगी और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, नई से नई वीडियो लेके आएंगे। C12 Realme का C12 लॉन्च होने वाला है, वो भी जल्द आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। और आप इससे इसी तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज शेख वहाब इफ्तिखार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और आप जो जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनको से गुजारिश है कि वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और हिट द बेल आइकन। और आज की वीडियो में स्पॉन्सर की है और इन स्टोर ने। लास्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया था Realme का C11 जो कि इसका प्री डिसेसर था। आज मेरे पास मौजूद है C12 जो कि इसी का नया मॉडल है Realme का। पूरे पाकिस्तान में ये ऑनलाइन मार्केट में हफ्ता पहले लॉन्च हो चुका है और यहाँ पे ऑफलाइन मार्केट में ये भी 3 दिन पहले लॉन्च हुआ है। तो आज हमारे पास ये Realme C12 आ गया है, तो हम इसकी करेंगे अनबॉक्सिंग और देखेंगे ये फोन कैसा है और क्या क्या स्पेक्स प्रोवाइड करता है इस प्राइस रेंज में। 22,000 की प्राइस रेंज में ये ऑफलाइन मार्केट में इस टाइम मौजूद है, आप लोग बाय कर सकते हैं। और चले वीडियो शुरू करते हैं। तो जी ये हमारे पास मौजूद है Realme C12 का बॉक्स और चलें बॉक्स देख लेते हैं कि क्या क्या इस पे हाईलाइट मेंशंस हैं। सबसे मेन हाईलाइट जो इस फोन की है वो है इसकी मेगा बैटरी जो कि 6000 mAh की बैटरी है, जो इस प्राइस रेंज में मेरे ख्याल में पाकिस्तान में आने वाली सबसे बड़ी बैटरी है। और साथ ही साथ ट्रिपल कैमरा मौजूद है, 13 megapixel का मेन सेंसर है, 6.5 inch का मिनी ड्रॉप डिस्प्ले है और इस मोबाइल में फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिया गया है। Realme C11 में हमने देखा था फिंगरप्रिंट स्कैनर मौजूद नहीं था। तो चलें इसको हम ओपन करते हैं और यहां से इसका रैपर उतार लेते हैं। Realme जो है ये Oppo का सब ब्रांड है और इनकी पैकेजिंग भी काफी हद तक Oppo और इनकी मिलती जुलती पैकेजिंग होती है और इसका कलर थीम जो है वो येलो होता है। तो हम इसको ओपन करते हैं और देखते हैं बॉक्स में क्या क्या कंटेंट दिए गए हैं। ये ओपन हो गया। हे वेलकम टू Realme फैमिली, ये हम पहले ही फैमिली में आ चुके हैं तो इसको ओपन करके देख लेते हैं इसमें क्या मौजूद है। सिर्फ पेपर वर्क मौजूद है, साथ आपके वो सिर्फ पेपर वर्क मौजूद है इसमें और केस नहीं दिया गया और साथ ये सिम इजेक्टर टूल मौजूद है। केस यार इस प्राइस रेंज में देना चाहिए था क्योंकि इस प्राइस रेंज में 22,000 में जो फ़ोन आजकल आ रहे हैं उन सब में केस ज़रूर मौजूद होता है। तो ये फ़ोन हम निकाल लेते हैं बाहर और फ़ोन को कर लेते हैं अनरैप। तो ये हमारे पास ब्लू कलर में मौजूद है फ़ोन और फ़ोन काफ़ी बल्कि फील होता है और आपको साफ पता लग जाता है कि यार इसकी बैटरी काफ़ी ह्यूज है, इस वजह से ये एक थोड़ा सा हैवी फ़ोन फील होता है। 211 ग्राम इसका वेट है और इसको हम जब तक टर्न ऑन कर लेते हैं और देख लेते हैं बॉक्स में क्या कंटेंट मौजूद है। इसको साइड रखते हैं। बॉक्स में दिया गया है चार्जर ब्रिक और चार्जिंग केबल। ये येलो कलर इसका Realme का कॉर्पोरेट कलर है और ये Oppo का भी सेम चार्जर होता है, यहाँ पे बस Realme की जगह Oppo लिखा होता है। 10 वोल्ट का ये चार्जर है जो कि आपकी 6000 mAh की बैटरी को चार्ज करेगा, तो ये तो काफ़ी टाइम ले लेगा यार चार्ज करने में। और USB माइक्रो USB दी गई है साथ, टाइप सी भी नहीं है। तो 6000 mAh की बैटरी चार्ज करने के लिए मेरे ख्याल में इन लोगों को कम से कम 18 वोल्ट का चार्जर इसमें इंक्लूड करना चाहिए था। ये तकरीबन मेरे अंदाजे में काफ़ी टाइम ले लेगा, 2-2.5 घंटे तो चार्ज करने में ले लेगा ये। तो जब तक हम इसको सेटअप कर लेते हैं और देखते हैं आगे चल के मोबाइल को।
तो जी फोन फाइनली यहाँ सेटअप हो गया है और ये इसका यूआई है रियलमी यूआई। और हैंड फील की जहाँ तक बात की जाए ये फोन काफी प्लास्टिक की फील होता है। बैक इसकी कंप्लीट प्लास्टिक की बनी हुई है और हम इसको उतार लेते हैं और ये बैक पे डायमंड पैटर्न, फोन पे डायमंड पैटर्न दिया गया है और ये आपको लाइंस जो है वो हाथ लगाने से फील भी होती हैं। और बैक साइड पे ये ट्रिपल कैमरा सेटअप मौजूद है, 13 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है और यहाँ फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। नीचे की साइड पे बात कर ली जाए तो स्पीकर ग्रिल मौजूद है, यूएसबी माइक्रो यूएसबी का कोड मौजूद है और स्पीकर मौजूद है और हेडफोन जैक 3.5 मिलीमीटर की। इस साइड पे वॉल्यूम रॉकर है और पावर बटन और इस साइड पे मौजूद है आपकी सिम ट्रे। और सिम सिचुएशन भी हम देख लेते हैं क्या दी गई है इसमें। तो जी फुल फ्लैज सिम स्लॉट दी गई है इसमें, आप दो मेमोरी कार्ड और एक सिम, दो सिम और एक मेमोरी कार्ड इजीली डाल सकते हैं। फुल फ्लैज सिम ट्रे है। और कैमरा टेस्ट आउट कर लेते हैं और ये 13 मेगापिक्सल का इसका मेन कैमरा है और यहाँ से हम इसकी पिक्चर लेते हैं और पिक्चर क्वालिटी देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। ये आप चेक कर सकते हैं, डिटेल काफ़ी अच्छी है, ये लीव्स की सारे कटिंग एज जरूर अच्छे नज़र आ रहे हैं और पोर्ट्रेट भी मौजूद है इसमें, बैकग्राउंड जो ब्लर कर देता है यहाँ से सारा। और ये पोर्ट्रेट मोड में ये इसने पिक्चर ली है और बैकग्राउंड पूरा ब्लर कर दिया हुआ है। पोर्ट्रेट मोड मौजूद है इसमें और नाइट मोड भी दिया गया है इसमें, जो कि एक अच्छा फीचर है इस प्राइस रेंज के हिसाब से। तो और सेल्फी चेक कर लेते हैं, फ्रंट कैमरा किस तरह का है इसका, मैं आपको एक पिक्चर लेके चेक करवाता हूँ। ये जी इसकी पिक्चर क्वालिटी है फ्रंट कैमरे की, जो कि एक डिसेंट पिक्चर क्वालिटी है। रियलमी का यूआई दिया गया है इसमें, एंड्रॉयड 10 आउट ऑफ द बॉक्स है ये और इसकी 3GB रैम 32GB इंटरनल मेमोरी है। तो जी आज की वीडियो आपको कैसी लगी और आपको कैसा लगा रियलमी का C12 आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए और वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें। और आप अगर ये मोबाइल बाय करना चाहते हैं तो क्रीम मार्केट में और इन स्टोर से बाय कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, शेख वहाब इफ्तिखार साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।